सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बैंक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट के दरमियान जो डिफरेंस है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए, बैंक क्रेडिट क्या होता है कि जो बैंक अपने कस्टमर को उसकी पास्ट की जो हिस्ट्री है, लाइक उसने पास्ट में बैंक से कितने पैसे लिए और कितनी देर में बैंक को वापस रिटर्न किए और उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो कितने पैसों की ट्रांजैक्शन करता है, उसकी सारी वर्थ देख के, हिस्ट्री देख के उसको जो लोन देता है बैंक, उसको हम बोलते हैं बैंक क्रेडिट। आगे नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि लाइक आपने जो ट्रेड किया वो उधार की बेस पे किया, आपने एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट पैसे नहीं दिए सेलर को। ये ना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट होता है कि लाइक जो उसके कंट्री के एक्सपोर्टर हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि अभी देखें ना, आप चाइना से या आप इंडिया में रहते हैं, चाइना से या ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो आपको एक डाउट होगा यार वो चीज़ें मुझे पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, तो ये डाउट में आप अक्सर चीज़ें नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से नुकसान क्या होगा दूसरे कंट्री का जिसकी आपने चीज़ खरीदनी थी। तो ट्रेड क्रेडिट से क्या होता है कि जो दूसरे कंट्री से आप चीज़ खरीदना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप ऑन द स्पॉट हमें पे नहीं करें, आपके पास हमारी प्रोडक्ट आ जाती है, आप मटीरियल जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी जब रिसीव कर लेंगे तब आप हमें पैसे पे कर दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ऑन द स्पॉट नहीं पेमेंट करते, कुछ देर बाद क्रेडिट की बेस पे आप पेमेंट करते हो। अभी देखें क्रेडिट की बेस पे कैसे करते हो कि इसके अंदर अभी देखें फ्रॉड भी तो हो सकता है, लाइक अगर हम किसी को मटेरियल भेज देते हैं, कोई प्रोडक्ट भेज देते हैं तो वो बाद में हमें पैसे नहीं देता और बोलता है मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर इंश्योरेंस होती है, इसके अंदर जो बैंक होते हैं वो गारंटी लेते हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ही प्रोडक्ट आपको देते हैं डिलीवरी के टाइम। तो ये इन दोनों का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।